भाई रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो देखी जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है रोडीज की, जिसमें नेहा धूपिया ने एक आतंक मचाया हुआ है, लॉयल्टी पे बात की हुई है, फलाना फलाना चीजें। आप सभी को पता है कि मैं आपको यही बताता रहता हूँ कि लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, लेकिन क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई, क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, सब यहाँ जो हम डिस्कस करने वाला, वीडियो को अंत तक देखते रहना और देखते हैं कि ऐसी सोच इनकी कहाँ पर लेकर जाती है और क्या ही घटिया और क्या ही वाहिया सोच है इन लोगों की। तो पूरा मैटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैटर ये होता है कि हर एक चूतिया शो तो है ही है, तो चूतिया नंदन आते हैं, वहां पर वो अपनी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी क्या बताते हैं कि उनकी एक बंदी थी, वो बहुत ज्यादा उसको प्यार करते थे और एक ही चीज उन्होंने उससे एक्सपेक्ट की थी जो थी कि लॉयल्टी, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन क्या होता है कि उसको पता चलता है कि उसकी बंदी चीट कर रही है, वो भी एक बंदे के साथ नहीं, पांच पांच बंदों के साथ चीट कर रही है। क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, वो तो वही जाने। अब वो क्या करता है, पांचों बंदों को लेकर आता है, उनके सामने रखता है, पूरी बात खोलता है, और जब बात खोलता है तो पता चलता है कि हाँ वो गंदी हरकतें कर रही थी जो भी उनको चीट कर रही थी पांचों लड़कों के साथ। वो लड़का क्या करता है कि ज्यादा जोश में आ जाता है, इंपल्स एक्शन हो जाता है, थप्पड़ खींच के मार देता है। ये चीज उसने गलत की, थप्पड़ उसको नहीं माना चाहिए था। और तो ज्यादा वो चूते इंसान ये कहता है कि भाई मैं और भी कुछ कर सकता था। वो क्या कर सकता था पता नहीं, बाद में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताता है कि मैं घर पे लेके भी जा सकता था, अब्यूज भी कर सकता था, पता नहीं वो क्या ही जोश में था। वो तो जोश में था ही था, लेकिन ये नेहा धूपिया कौन से जोश में थी, मुझे ये चीज समझ में आई ही नहीं मेरे भाई। फिर ये क्या बोलते हैं कि इट्स हर चॉइस, वो कुछ भी करे, इट्स हर चॉइस, मतलब वो पांच बंदों के साथ जा रही है, वो उसकी चॉइस है। मुझे चूतिया सोच की तरह समझ में नहीं आया भाई, क्या ही चूतिया सोच है तुम लोगों की। एक बंदी पांच लड़कों के साथ सो रही है, पांच लड़कों के साथ कुछ भी कर रही है, वो उसकी जिंदगी है, उसकी चॉइस है भाई। चॉइस तब होती है ना जब कोई रैंडम बंदा होता, कोई भी जिसको मैं नहीं जानता, वो कुछ भी करे उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ना। मेरी बंदी कुछ भी करेगी तो भाई ऐसे थोड़ी उसकी चॉइस हो जाएगी यार। हम लोग रिलेशनशिप में भाई, वो कुछ भी क्यों ही कर सकती है। कौन सी चूतिया सोच को लेकर तुम लोग आगे चल रहे हो भाई, जिस इंडस्ट्री में तुम लोग हो, जो भी चीज तुम्हारे यहाँ चलती है वो चलने दो भाई, हम लोगों को मत बिगाड़ो। क्या ही तुम मैसेज दे रहे हो भाई आजकल की जनता को, हम यंगस्टर्स, हम जो टीनेजर्स, उनको क्या तुम दे रहे हो मैसेज कि कुछ भी करो। हाँ रिलेशनशिप में तुम दोनों कुछ भी करो तो काहे की रिलेशनशिप है मेरे भाई, छोड़ देते हैं ना। उस बंदे ने एकदम सही बात की कि लॉयल्टी उसने एक्सपेक्ट की थी भाई, और अगर उसने लॉयल्टी एक्सपेक्ट की है तो उसको भी मिलनी चाहिए ना। फिर वहां पर एक बीबी की वाइंस का कौन सा है भाई, वो जो दातेला होता है वही एक बंदा आता है उसी की शक्ल का, और फिर बोलता है कि हु द हेल आर यू टू एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम एनी वन, मतलब अपने कुत्ते से भी तुम क्यों ही वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। क्या चूतिया इंसान है क्या भाई तू, कौन से जिंदगी में जी रहा है मेरे भाई। अगर तू किसी रिलेशनशिप में है तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तू अलाउ करेगा अपनी बंदी को कहीं भी जाए कुछ भी करे। और उसके बाद ये चूतिया इंसान एक चीज कहता है कि तुम इनसिक्योर्ड हो इस वजह से। अब इनसिक्योरिटी तो तब आती ना मेरे भाई जब मुझे ये डर रहता कि मेरी बंदी मुझे छोड़कर ना चली जाए, वो पहले से ही चीट करी तो भाई इनसिक्योरिटी कहां से आ गई इसमें। कौन सी चूतिया सोच को लेकर तुम लोग चल रहे हो भाई, चूतिया इंसान है ये पूरे लोग, घटिया इंसान है भाई। ऐसी सोच को लेकर तुम आगे चलना भी मत, बहुत ही फालतू चीज है ये। फेमिनिज्म के चक्कर में पता नहीं हम क्या ही कुछ बोले जा रहे हैं, फेमिनिज्म दिखाने के चक्कर में भाई। इक्वालिटी अलग चीज होती है, इक्वालिटी में एक इक्वल वर्ड होता है, एक इक्वल वर्ड होता है उसका मतलब होता है इक्वल। ये नहीं होता कि फेमिनिज्म में तुम लड़कियों को बिल्कुल ही आगे ले जाओ। लाइक लिटरली आजकल ये हो गया कि भाई लड़की कुछ भी करे वो सही है, क्योंकि हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा इंसान बनने के चक्कर में हम लड़कियों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी करे लड़की तो सही है, लड़की गलती कर ही नहीं सकती मेरे भाई। लड़की कुछ भी करेगी सही है और लड़का कुछ भी करेगा तो गलत है ही है। एक और वीडियो वायरल हो रही है अगर आपने आई एम श्योर देखी हो तो, कि पहले भी एक जो यही सब सीन हुआ था लेकिन केस उल्टा था। केस उल्टा क्या था कि एक बंदी कहती कि चार उसके बॉयफ्रेंड्स थे और चाहे बॉयफ्रेंड्स कहते एक्स थे, उसको थप्पड़ थप्पड़ मार दिया था, कोई भी बात रही होगी। और ये नेहा धूपिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उस पर, उसका भाई रिएक्शन देखने लायक है, चमक जाता है उसका चेहरा कि भाई पता नहीं क्या ही काम कर दिया लड़की ना। भाई चूतिया लोगों तुम लोग कहां हो भाई, क्या दिखाना चाह रहे हो लोगों को, लड़की कुछ भी करेगी वो सही होगा और लौंडा कुछ भी करेगा वो गलत ही होगा। भाई चूतिया इंसान, और सबसे ज्यादा घटिया इंसान तो मेरे को वही लगा जो बीबी की वाइन से छकल का आता है। अबे क्या इंसान है बे तू, लॉयल्टी एक्सपेक्ट ना करें, मतलब क्या क्या इंसान है, मतलब कहीं पर भी जाके किसी के साथ भी सेक्स करे हमें कोई उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हम तो इनसिक्योर्ड हो रहे हैं भाई। अगर वो कहीं भी जाके कुछ भी कर रही है तो मुझे मना करना ही नहीं है भाई, वो उसकी चॉइस है। लॉयल्टी मेरे को एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए, अपने कुत्ते से भी नहीं करनी चाहिए, किसी से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए। तब तो एक काम करते हैं भाई, पूरे वर्ल्ड में रिलेशनशिप ये सब तोड़ देते हैं, एक काम करते हैं किसी के साथ भी सेक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरी चॉइस है भाई, इट्स हर चॉइस। मतलब अगर लड़का कोई गलती से कुछ कर दे तो वो तुम्हारी चॉइस नहीं है भाई, लड़की कुछ भी कर दे तो वो उसकी जिंदगी है, उसकी चॉइस है, वो कुछ भी करे, कुछ भी करे उसको चलता है। मुझे चीज समझ में नहीं आती कि भाई टीआरपी को बढ़ाने के लिए तुम अपने शो को बढ़ाने के लिए कुछ भी क्यों करते हो, अपने कुछ एक फायदे के लिए क्यों लोगों को बिगाड़ रहे हो, क्यों लोगों की सोच को बदल रहे हो। भाई हम बहुत सही हैं जहां पे भी हैं, हम लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम खुश हैं भाई इस चीज से। मतलब तुम किसी लड़की से भी जाके पूछोगे ना कि रिलेशनशिप में तुम अपने बॉयफ्रेंड से क्या लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, बोले कि फकिंग ऑब्वियस हाँ करती हूँ। तुम क्या दिखा रहे हो भाई कि लॉयल्टी तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब लड़की लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकती है, लौंडा नहीं कर सकता क्या भाई, इनसिक्योर हो जाएगा वो, हद हो गई यार। तो मैसेज मेरा यही है कि भाई ये बहुत ही घटिया और बहुत ही चूतिया लोग होते हैं, ये जिस इंडस्ट्री में रहते हैं वहां पर यही शायद ये लोग करते हैं,
और इसी में इनकी जिंदगी चल रही है। लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं सीखनी है भाई, रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं होगी तो क्या घंटा रिलेशनशिप है भाई, क्या ही तुम कर रहे हो भाई। रिलेशनशिप का टैग दिया है तो कुछ लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट करोगे ना। रिलेशनशिप में भी तुम भी कैजुअल रिलेशनशिप आ जाते हो, फिर क्या क्या ही होता है, हुकअप्स एंड ऑल होते हैं, वो चीज़ तो अलग है ही है। तुमने तो यही कह दिया कि रिलेशनशिप अगर सच्ची है तो भी तुम लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करो, तुम इनसिक्योर्ड हो रहे हो अगर बंदी को कुछ कह रहे हो, बंदी तुम्हें घंटा कहीं भी जगह सेक्स करे तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जिंदगी उसकी चॉइस है। तो भाई क्या हो भाई, अगर लड़की ऐसा करे तो उसकी सोच को चार थप्पड़ खींच के मारने चाहिए भाई। अगर वो किसी के साथ भी आके सो रही है, वो पांच पांच बंदों के साथ कुछ भी कर रही है, वो उसकी चॉइस कैसे हो सकती है भाई। मेरी बंदी है तो क्यों जाके तू ऐसा कर रही है। अगर नहीं है उस तेरा इतना ही मन है, इतना ही अगर अंदर उबाल आ रहा है तो जा छोड़ रिलेशनशिप को, बोलना कि नहीं है पसंद या जो भी चीजें हैं। इनसिक्योरिटी है तो पागलबंदी वाली चीजें हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई तुम अगर रिलेशनशिप में हो तो लॉयल्टी को लेकर चलो, इन घटिया और बिंदी बगवाया लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत ही घटिया लोग हैं, बहुत ही चूतिया सोच लगी मेरे को इनकी। तो मेरा यही मैसेज है कि लॉयल्टी एक्सपेक्ट करो, ठीक है, लॉयल्टी लेकर चलो, तुम भी लॉयल रहो और ये भी एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारी बंदी भी लॉयल रहे, और फेमिनिज्म के चक्कर में कुछ भी फालतू की चीजें मत करो। अगर आपको थोड़ी सी भी सोच मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैसेज सब तक जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं भाई ये सबको बिगाड़ के रख देंगे, फिर पता नहीं क्या ही होगा, कौन ही जिंदगी में लेकर जा रहे हैं लोग। तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हो।